आ जाओ भाई, रूबी आप भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ। क्यों भाई, आपने क्यों नहीं खाना? खा लिया, रोटी बनाई है ताजा ताजा, आपने सालन बनाया है, ये फ्रेश फ्रेश जो है ना, आपने सलाद भी बनाया हुआ है खीरे का। फ्रेश आ जाओ, आप खाएं। और मैं जो ना काम कर रही हूँ, मैंने अभी कीनू खाया। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर अमीन बात कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछा है कि जी आप डॉक्टर हैं या भाई हैं, तो इसलिए मैं आपको जो है ना अपने डिप्लोमे और रजिस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। देखें, ये मेरी रजिस्ट्रेशन है होम्योपैथी की, ये मेरा डिप्लोमा है, और ये हेल्थ केयर कमीशन का रजिस्ट्रेशन है। तो ऐसी बात नहीं है, जो चीज़ है आप लोगों के सामने है। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही थी कि मैं कौन सा डॉक्टर हूँ, मैं तो जो हूँ सो हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, रजिस्टर्ड हूँ, और रजिस्ट्रेशन भी मेरी नेशनल काउंसिल की है। अब उम्मीद है आप लोगों को इत्माद आ जाएगा, मेहरबानी, माफ़ी। और ये मेरा लेटर पैड है, ये मेरी टेबल हो गई, ये चेयर, और ये डिस्पेंसरी। हाँ जी, मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ बताएं, गैस करें? नहीं पता, फिर भी गैस करें? नहीं पता, ये लें जी आपका फूल। हाँ जी, मैंने कहा सुबह सुबह आपको फूल दूँ। हाँ जी, वेलकम, आपको फूल से करें ना। बहुत शुक्रिया आपका, आपको पसंद आया फूल? बहुत पसंद आया है। चलिए जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम वेलकम। चलिए जी, अभी देखें गुलदान में दो फूल हो गए, ये कल का है, ये अभी नया है, आज का है, ये गुलाब का फूल, और वो वाला भी गुलाब का है, ये भी गुलाब का लाए हैं। अच्छा, तो ये कप और लेके आ गए आप, इतने सारे मेहमान इतने सारे होते हैं तो कुछ इंतजार कर लेते हैं, हाँ, या फिर डिस्पोजेबल होते हैं या फिर ये लेके आए हैं। अच्छा अच्छा, चले चलो, अच्छा किया, मेहमान आते हैं ना तो उनके लिए और भी कप लेके आए हैं। और चले अभी चाय एंजॉय करते हैं हम, ठीक है, शाम की चाय बैठ के हम चाय पियेंगे। आपके हाथ में क्या है? हाँ जी बताओ, मेरे हाथ में क्या है आप बताएं? मैं बताऊं? आप आंखें बंद करो, आंखें बंद करूं? क्या होगा? दिखाओ, हर दफा मेरी आंखें बंद करवाते हो आप। ये लो नींबू आया है, नींबू लेके आए हैं, एक मेरे लिए, कप मेरे लिए नहीं, हाँ कुछ और भी है। क्या है दिखाएं? और भी है, ये जी एक और भी है, दो दो जोड़े लेके आया हूं नींबू के। अच्छा, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल फ्रेश है, अभी अभी तोड़ के लाया हूं। कहां से? वो गार्डन गया था, वहां से तोड़ के लाया। अच्छा चले, बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत लगे, खुशबू भी बहुत आ रही है, नींबू की मजे वाली है ना। नाम दिखा ना तुम्हारा, ओके चले जी, मैं आपके लिए चाय बना के लाई हूँ। अच्छा, आप चाय पिए, हाँ जी, फिर कोई ना कोई मरीज आ जाएगा तो जी, फिर जी। आप चले जाएंगे तो चाय पहले पी लें, फिर आप चाय की शक्ल तो दिखाएं, देखें। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, चाय तो बहुत प्यारी है, आप पी लेंगे तो पता चलेगा ना कैसी मैंने बनाई है। चलें जी, पी लेते हैं। ओके जी, ओके पीते हैं। मैंने अपने लिए भी एक मग्गे में चाय निकाली है, तो चले चाय, शाम की चाय पीते हैं, अभी अजान हो रही है मगरिब की, चलिए देखते हैं क्या होता है, ऐशा कैसे संभालती है और कैसे उसको रखती हैं और पढ़ा वैसे पढ़ा सकती हैं, यानी जैसे हम तो स्कूल ट्यूशन कारी साहब ये घर में पढ़ाने आते थे, सब कुछ करते थे, और बाबर ने जो है ना वो तो दिलबर को डराने के लिए वीडियो बनाई थी कि वो वापस घर आ जाएं जल्दी से, लेकिन दिलबर भी वापस जाएंगे, उनकी भी मैंने वीडियो देखी थी, वो भी वापस चले जाएंगे, वो वहाँ पर ही रहेंगे, लेकिन अभी जो है देखते हैं अली कैसा रहता है और पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, ये फिर उन पे है, वो आयशा जैसे भी रखे। तो दिलबर तो वैसे भी जा रहा है कुछ दिन है इधर, और बाकी वो जाने वाला है, मैंने उनको कल भी बोला था जाओ तुम्हारे बच्चे जो है ना पीछे परेशान है, तो आप जाएं वहाँ पे रहें और अपने बच्चों का ख्याल रखें, वो पढ़ेंगे नहीं। तो दिलबर ने कहा मैं तो जा रहा हूँ वापस, और अली को लेके आ गए, मैं तो बस कुछ दिनों के लिए आया था, वहाँ पर शादी थी इसलिए रुका हुआ था, अभी मैं जा रहा हूँ वापस। तो अली का क्या बनता है कि क्या होगा, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई थी और ट्यूशन भी बहुत अच्छा था, और कारिसा भी घर भी आता था पढ़ाने, तो जैसे बाबा के बच्चे हैं वो फादिया दुआ सब बहन भाई इकट्ठे रहते थे, बहुत अच्छे से पढ़ रहा था वो, लेकिन बस देखते हैं अली का नसीब, और अल्लाह पाक अली को भी अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमेशा खुश रहे और हंसता मुस्कुराता रहे। तो